हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किचन के काम से फ्री होके आई हूँ और रूम कितना मैसी हो रखा है, तो क्विकली इसको क्लीन करती हूँ फटाफट से। अभी क्लीन हो चुका है और मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर दिया है, सारा सब सफ़ा कर दिया है। बच्चे ट्यूशन व्यूशन स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में मैं किचन के काम में लग जाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो अपना मैं एक मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर करने वाली थी, जो कि क्लीन अप है। तो हम हाउस वाइफ को फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ज़्यादातर अपना फेस पर ध्यान दें, लेकिन ये हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि फेस क्लीन रखना और अपना किचन में भी थोड़ा टाइम देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें ही मस्ट हैं। तो इसी तरीके से हमको अपना फेस पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं ये पतंजलि का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और 60 या 70 रुपीज़ इसका प्राइस है आई थिंक। तो आप, मुझे ये बहुत पसंद आता है और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये फ्रेंड फर्स्टली ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपको एडवाइस दे रही हूँ, ना ही कि आपको स्पॉन्सर कर रही हूँ, बता रही हूँ सिर्फ नॉर्मली। अगर आप जो यूज़ करते हैं वो आपको सूट करता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी क्योंकि हम लोग किचन में जब काम करते हैं तो डस्ट ऑयल वगैरह बहुत हमारे फेस को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये छोटे छोटे स्टेप अपने लिए ज़रूर यूज़ करने चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने देखिए आप इसे क्लीन कर दिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं ये मैजिक की सैफ्रॉन केयर केसर फेयरनेस मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसका प्राइस है 125। ये मैंने 6 to 7 मंथ बिफोर ली थी फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी है मसाजिंग के लिए, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, लोकल मार्केट में आपको हर जगह मिल जाएगी। और ये समझ लीजिए आपके 1 ईयर के लिए बहुत सफिशिएंट है क्योंकि वीकली 2 टाइम ही तो हमको करना होता है। तो ये आई थिंक आपके लिए बहुत चल सकती है, 6-7 मंथ से तो ये कम चलने ही वाली नहीं है। तो देखिए मैंने क्रीम लगा ली अपने फेस पर और अच्छे से मैं अपने फेस को क्लीन भी कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं ये सेम पतंजलि का ही मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ फेस पर। तो आप देख सकते हैं और ये एक लिक्विड फॉर्म में ही आता है, तो मैं एज इट इज़ इसको अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। तो आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, ये ड्राई हो चुका है और अब मैं एक वेट वाइप की हेल्प से इसको निकाल दूंगी। फ्रेंड्स मैं इसी तरीके की अच्छे अच्छे रूटीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, बस मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की। तो प्लीज़ हेल्प मी अ लॉट। और अभी मैं जाने वाली हूँ नहाने, तो उससे आधा घंटे पहले ही मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने, वैसे तो मैंने रात में लगा लिया था लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ऑयल मैं अभी फिर से लगा लूँगी अपने बालों में। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा ज़रूर इसको, इस ट्रिक को, इससे आपके बाल और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मुझे जाना है मार्केट बच्चों के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो बच्चों के लिए कुछ सामान लेने जाना है तो मैं लोकल मार्केट ही जाने वाली हूँ अपने पास तक ही फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। ओके तो फ्रेंड्स जाते में मुझे याद आया, जब मैं आपसे अपना सब कुछ शेयर कर रही हूँ तो मैं ये भी बताऊँ, ये जो कुर्ती है ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। और चलिए अभी मैं मार्केट से होके आ चुकी हूँ, तो देख सकते हैं आप, मैं ये बच्चों के लिए कुछ एक नट क्रैकर्स का पैकेट लिया था मैंने और ये एक मिक्स
नमकीन थी, और ये मोस्ट फेवरेट है मेरे बच्चों की आलू भुजिया। मैं वैसे छोटा पैकेट ले रही थी बट इस पर 15% एक्स्ट्रा थी तो मैंने ये बड़ा ले लिया। और ये कुछ बिस्किट्स वगैरह है। मेरे बच्चों में सिर्फ 1.5 साल का अंतर है दोनों में, तो दोनों का टेंड्रम्स है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मुझे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अभी मैं जाती हूँ उनको लेने, और देखिए वो आ चुके हैं स्कूल से और अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपना टीवी शो, ये उनका फेवरेट है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लॉट्स लॉट सपोर्ट मी एंड थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर